हेलो गाइज, वेलकम टू द संकल्प अकेडमी। दिस इज मनीष सैनी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमें जो सीरीज चलाई है उत्तराखंड टेस्ट सीरीज, ये इसका यहाँ पर 10वां टेस्ट है। पिछले 8 टेस्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित टेस्ट है। इन दो टेस्ट की बात करते हैं, 9 और 10, ये उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित हैं। और इन दो वीडियो में यहाँ पर ये हमने पूरा जो है कवर कर लिया है उत्तराखंड का राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र। और पिछली 8 वीडियो में हमने यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित बात की है। तो यहाँ पर बात करते हैं UKPCS और UKSSC के अपकमिंग कौन कौन से एग्ज़ाम हैं। UKPCS की बात करते हैं तो 23 जनवरी में यहाँ पर RO/RO वाला एग्ज़ाम होने वाला है। फिर दूसरी ओर बात करते हैं UKPCS प्रॉपर PCS वाला जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम की डेट जो प्रस्तावित थी वो 27 फरवरी प्रस्तावित थी पहले, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें यहाँ पर कुछ आयु में यहाँ पर छूट दी गई है, एज में यहाँ पर कुछ छूट दी गई है अभ्यर्थियों को, तो इसकी वजह से यहाँ पर इनकी डेट को यहाँ पर बढ़ाया गया है फॉर्म फिल करने के एग्ज़ाम में। यदि आपने उत्तराखंड PCS का जो फॉर्म वो फिल नहीं किया है तो आप जल्दी से उसको फिल कर दें। तो अब इसकी जो डेट है वो 2 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, तो उसको आपको फिल करना है। फिर हम बात करते हैं UKSSC के कौन कौन से अपकमिंग एग्ज़ाम हैं। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम है वो लेखपाल वाला होने वाला है, लेखपाल और पटवारी वाला एग्ज़ाम अभी होना बाकी है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है और उत्तराखंड SI वाला एग्ज़ाम, तो इन सभी के लिए यह वीडियो जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा क्या थी। यहाँ पर जो इनकी आरक्षण सीमा रखी गई थी वो रखी गई थी यहाँ पर 50%। मार्च 2008 में यह अधिनियम आया था। यदि हम बात करते हैं उससे पहले जो यहाँ पर इनकी जो आरक्षण था वो यहाँ पर 33% था, यानी एक तिहाई आरक्षण दिया गया था पंचायती राज संशोधन अधिनियम के द्वारा, लेकिन 2008 में जो संशोधन किया गया उसमें यहाँ पर महिलाओं के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% किया गया था। फिर हम बात करते हैं मार्च 2008 में, तो यहाँ उस समय जो CM थे यानी उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे यहाँ पर भुवन चंद खंडूरी थे उस समय के CM। तो यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब पंचायतों के महिलाओं के आरक्षण की सीमा के लिए अधिनियम बनाया गया था तो उस समय कौन CM थे, तो वो थे भुवन चंद खंडूरी, और 50% की यहाँ पर आरक्षण दिया गया था महिलाओं के। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी साथ साथ मिल रहा है नई वीडियो का। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर विजय भरद्वाज, सही उत्तर यहाँ पर ए। राज्य विधानसभा की पहली जो उपाध्यक्ष थी वो थी यहाँ पर विजय भरद्वाज। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे यहाँ पर वो थे यहाँ पर प्रकाश पंत, सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर प्रकाश पंत। प्रकाश पंत पहले विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे जब यहाँ पर नया राज्य उत्तराखंड बना था, तो अध्यक्ष कौन थे विधानसभा के, वो थे यहाँ पर प्रकाश पंत। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा क्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा है। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि उत्तराखंड के सर्वाधिक में सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। सर्वाधिक और सबसे वाले जो यहाँ पर जिले हैं, सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं, सर्वाधिक की बात करते हैं उत्तराखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है यहाँ पर चमोली। चमोली सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर वो है यहाँ पर उत्तरकाशी। उत्तरकाशी सेकंड नंबर पे आता है सर्वाधिक क्षेत्रफल जिले में। फिर जो है यहाँ पर वो है पिथौरागढ़ यहाँ पर तीसरे स्थान पर है सर्वाधिक जिलों में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे कम जो जिला है, कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो यहाँ पर है चंपावत। चंपावत यहाँ पर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले के बारे में बात की गई है, तो चमोली और चंपावत यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी, सही उत्तर जो हमारे यहाँ पर वो है बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें SC के लिए सुरक्षित हैं। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर एक सीट यहाँ पर
एससी के लिए सुरक्षित की गई है, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर ये सुरक्षित की गई है। यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन सी यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, पाँच। तो यहाँ पर बात करते हैं तो सीटें हैं पहले अल्मोड़ा, दूसरी जो हमारे पास है यहाँ पर वो है यहाँ पर पौड़ी, तीसरी है हमारे पास यहाँ पर टिहरी, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर चौथे स्तर पर जो है वो नैनीताल, और जो पांचवी हमारे पास वो है यहाँ पर हरिद्वार। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कौन सी सीट यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए शोषित की गई है, तो वो की गई है अल्मोड़ा सीट। सही उत्तर जो होगा वो है यहाँ पर एक सीट है, और यहाँ पर अल्मोड़ा सीट को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। हम ये बात करते हैं हम यहाँ पर राज्यसभा के बारे में भी, राज्यसभा में उत्तराखंड से तीन सीटें यहाँ पर हैं, तीन सीटें राज्यसभा में शोषित की गई हैं। तो यहाँ पर लोकसभा के लिए उत्तराखंड से पाँच सीटें हैं और राज्यसभा से यहाँ पर तीन सीटें हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर ये भी। सही उत्तर जो होगा वो होगा एक सीट कौन सी है, वो है अल्मोड़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे यहाँ पर सुरजीत सिंह बरनाला। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। उत्तराखंड की जब स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000, तो उस समय सुरजीत सिंह बरनाला को यहाँ का गवर्नर बनाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि राज्य सेवाओं में स्वतंत्रता सेनानियों और राज्य आंदोलनकारियों के लिए यहाँ पर कितने प्रतिशत का आरक्षण यहाँ पर किया गया है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर 2 और 10% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। हम यहाँ पर बात करते हैं राज्य सेवाओं में एससी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर कितना आरक्षण है, तो वह है यहाँ पर 19%। एसटी की बात करते हैं यहाँ पर एसटी के लिए यहाँ पर 4% आरक्षण है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पर 14% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर हम बात करते हैं भूतपूर्व खिलाड़ियों के लिए, तो भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए 5% की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जो विकलांग खिलाड़ी हैं यानी जो विकलांग व्यक्ति है उसके लिए यहाँ पर 3% की व्यवस्था की गई है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर 2 और 10%। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर के जिले यहाँ पर कब सृजित किए गए थे, यानी कब बनाए गए थे यहाँ पर। इन तीन जिलों का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था 1997 में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। यहाँ पर 15 सितंबर को यहाँ पर चंपावत जिला 1997 को, और 18 सितंबर को यहाँ पर रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले को बनाया गया था। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। यहाँ पर बात कर लेते हैं हरिद्वार जिले के बारे में। तो हरिद्वार जिले का निर्माण किया गया था 28 दिसंबर 1988 को। सही उत्तर जो होगा वो हमारा 28 दिसंबर 1988 को, और रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जो जिले बनाए गए थे वो बनाए गए थे 1997 को। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर पौड़ी डी, पौड़ी जिले में सबसे अधिक गांव बसाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब से लागू किया गया था। तो ये किया गया था यहाँ पर 1874 में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी, 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था को लागू किया गया था। हम यहाँ पर बात करते हैं जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब ब्रिटिश अधिकारी जो थे यहाँ पर वो सिविल सेवा को लागू करना चाह रहे थे, यानी सिविल पुलिस को लागू करना चाह रहे थे, लेकिन जो यहाँ के तत्कालीन कमिश्नर थे वो थे रैमजे, जिनका कार्यकाल रहा है यहाँ पर 1856 से 1884 तक। तब इन्होंने कहा कि यहाँ की जनता है वो सीधी है, यहाँ पर इतने क्राइम नहीं होता है। तो यहाँ पर इस राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत ये है कि यहाँ पर जो पटवारी कानून को नायब तहसीलदार और जिलाधिकारी व कमिश्नर, इन सभी को ही यहाँ पर राजस्व के साथ साथ पुलिस व्यवस्था को भी सौंपा गया है, पुलिस व्यवस्था को सौंपा गया है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं लगभग उत्तराखंड में लगभग
61% ऐसा क्षेत्र है जहां पर इस व्यवस्था को लागू किया गया है, यानी बड़े हिस्से में उत्तराखंड के राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब लागू किया गया था, वो किया गया था 1874 में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि राज्य लोक सेवा अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर राज्य के राज्यपाल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्यपाल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है राज्य लोक सेवा आयोग। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो यहाँ पर यह है कि उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर 12 मंत्रियों को यहाँ पर मंत्रिपरिषद में नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं कुल विधानसभा जो सीट है यहाँ पर वो है यहाँ पर 70%। तो जहाँ यहाँ पर 70 विधानसभा सीट हैं तो कुल यहाँ पर इसका 15% ही यहाँ पर मंत्री बन सकता था। यहाँ पर अगर हम इसको काउंट करते हैं तो जो हमारे पास आएगा तो लगभग यहाँ पर 10 पॉइंट कुछ आता है। लेकिन यहाँ पर एक और यहाँ पर क्लोज है कि 70 का 15% यहाँ पर आप मंत्री बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्लोज ये है कि आपको न्यूनतम जो मंत्री बन सकते हैं, न्यूनतम मंत्री बन सकते हैं यहाँ पर 12। तो यहाँ पर ये वाला क्लोज यहाँ पर फिट होता है, 70 का 15% यहाँ पर 10 पॉइंट कुछ आता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा क्लोज है कि न्यूनतम जो मंत्री बन सकते हैं वो 12 मंत्री कम से कम होने चाहिए। तो दूसरे वाला क्लोज यहाँ पर लगता है और कुल जो सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 12। तो उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में इतने मंत्री हो सकते हैं यहाँ पर 12। सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर 27 मार्च 2016 को। तो 27 मार्च में स्टार्ट हो गया था यहाँ पर राष्ट्रपति शासन और यहाँ पर 11 मई तक ये रहा था। तो लगभग यहाँ पर जो 46 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा था। तो यह भी आपके किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन कितने दिन रहा था। तो वो रहा था यहाँ पर 46 दिन। सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो होगा सी, 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक। तो इस समय जो है यहाँ पर हरीश रावत मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के और फिर बाद में भी जो सीएम बने वो यहाँ पर हरीश रावत थे। सही उत्तर जो होगा वो है यहाँ पर सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर वो ये है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर अशोक कांत सारण। सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर वो ये है कि उत्तराखंड में कितने विकास खंड बनाए गए हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो विकास खंड है वो है यहाँ पर 95। सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर बी। अभी हम पिछले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ और यहाँ पर प्रथम देखते हैं उत्तराखंड में प्रथम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम उत्तराखंड में प्रथम मुख्य सचिव कौन था। उत्तराखंड में प्रथम मुख्य सचिव जो था वो थे यहाँ पर होते हैं यहाँ पर अजय विक्रम सिंह और उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे अशोक कांत सारण। सही उत्तर है यहाँ पर डी। तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सचिव थे वो थे अजय विक्रम सिंह। तो आशा करते हैं आपको इसे पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।